गाइज हम लोग अभी जाएंगे अपने गांव का झील और वहां का पहाड़ देखने, तो आप लोग साथ में चलिएगा, अंत तक बने रहिएगा। बब्बू ओए। और आज हम जा रहे हैं अपने ही गांव के एक एडवेंचर पैलेस के बारे में दिखाएंगे, और मैं निकल चुका हूं। आप देख सकते हैं मेरे गांव का ही ये सीन है, जो कि आपको पीछे पूरा खेत ही खेत दिखाई दे रहा है, और अभी धान की सीजन चल रहा है जिसकी बुआई वगैरह होने वाली है। तो देख सकते हैं कि कैसा लोकेशन है, और हमें जाना है वहाँ पीछे जो दिख रहा है वहाँ पर हमें चलना है। ठीक है, हम साथ में हैं, तीन लोग साथ में हैं जो कि हमारे ही दोस्त हैं। देख सकते हैं, इनसे मिलवा दें। इनका नाम है कलीम और आपका अभिषेक नाम है, और हम लोग चल रहे हैं एक ऐसे प्लेस पे हमारे गांव में जो कि जिसका नाम है बाबू की बारी। गाइस अच्छा लगे तो लाइक, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, जहाँ जाना था हम लोग आज पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं हमें बस इसी के अंदर एंट्री करना है जो पहाड़ों की तरफ दिख रहा है। ये हमारे तरफ का बिल्कुल छोटा पहाड़ है, तो चलिए हम उसके अंदर चलते हैं। देखिए गाइज, हमको इसी के अंदर जाना है। ठीक है, ये पहाड़ों की तरह जो दिख रहा है, ठीक, थोड़ा रास्ता दिक्कत है, फिर भी हम चलेंगे इसके अंदर, आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं कैसा माहौल है। गाइज देख सकते हैं दोनों तरफ का लोकेशन कैसा है, इधर भी पानी है, इस साइड भी पानी पानी ही है, तो देख सकते हैं। और हमको इसी ताल के अंदर जाना है, उसके अंदर जाना है मुझे। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग पीछे, मतलब बगल बगल वो थोड़ा ऊंचा है, टीला टाइप का बना हुआ है जो कि, चलिए हमको उसके अंदर जाना है, तब आपको दिखाई देगा बहुत ही अच्छा चीज़। ठीक है, गाइज हम तो आ तो गए हैं, लेकिन इसके अंदर जाने में परेशानी हो रही है। देखिए कितना बड़ा बड़ा घास हो चुका है, और इसको अंदर जाने के लिए अगर हम इसके अंदर पैर को रख रहे हैं तो हो सकता है इसके अंदर सांप भी हो सकते हैं। इस वजह से रिस्क नहीं लेना चाहता हूं। आप लोग को जल्दी ये लोकेशन दिखाऊंगा, काफ़ी अच्छा है। इसके बाहर का जो पार्ट है ना, बिल्कुल ताल की तरह बना हुआ है जो कि इसके अंदर झील टाइप का है, तो वो चीज़ मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है, और अगर आप कहेंगे कि रिस्क ले लीजिए अंदर जाइए तो मैं चला जाऊंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन देखिए बहुत बड़ा बड़ा घास हो चुका है जो कि मैं आप लोगों को दिखा दूं।